गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेबी रेगुलेशंस 2009 फॉर राइट इशू। हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था राइट इशू क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे कि सेबी ने क्या रेगुलेशंस बनाई हैं राइट इशू के लिए। सबसे पहला आता है रिकॉर्ड डेट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 52। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट का मतलब है एक डेट जो कंपनी जो है वो फिक्स करती है ये देखने के लिए कि जो एलिजिबल पर्सन कौन है राइट इशू के लिए। जो डेट कंपनी फिक्स करती है जिसे वो रिकॉर्ड डेट हो रही है, उस डेट पर जो पर्सन है वो ऑनर होना चाहिए उन शेयर्स का जिसके लिए उसे राइट दिया जा रहा है। तो रिकॉर्ड डेट का मीनिंग क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं इसकी रेगुलेशन 52 गाइडलाइंस क्या कहती हैं। एक लिस्टेड इशूअर जो राइट इशू कर रहा है वो अनाउंस करेगा एक रिकॉर्ड डेट किस पर्पस के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि शेयर होल्डर्स कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं जो एलिजिबल हैं राइट शेयर्स को अप्लाई करने के लिए। जो इशूअर है वो विड्रॉ नहीं कर सकता राइट इशू अगर उसने एक बार अनाउंस कर दी है कि रिकॉर्ड डेट क्या है। अगर वो विड्रॉ करता है राइट इशू रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने के बाद, तो वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता है अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 मंथ्स के लिए जब से उसने रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है। नेक्स्ट जो हमारा है रेगुलेशन 53 रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट इशू। कोई भी इशूअर राइट इशू इक्विटी शेयर्स का नहीं निकाल सकता अगर उसके कोई आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेब्ट है उसके लिए जब तक वो रिजर्वेशन नहीं कर देता इक्विटी शेयर्स की उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में कन्वर्टेबल पार्ट है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का। सिंपल सा कहने का मतलब इतना है कि आप राइट इशू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल डेप्ट है तो उसके लिए आपने उतना ही पोर्शन जितना कन्वर्टेबल है उतना ही पोर्शन राइट इशू का इक्विटी शेयर्स का आपने उसके लिए नहीं रखा है, तब तक कोई भी इशूअर राइट इशू इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं निकाल सकता है। दूसरा है हमारा कि जो रिजर्व्ड इक्विटी शेयर्स हैं वो जो होल्डर्स हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को के जो कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर्स हैं जो आपने रिजर्व किया है इक्विटी शेयर्स उनके लिए, वो आप उसे इशू करेंगे एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन सेम टर्म्स पर जिस टर्म्स पर आप इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं राइट इशू के लिए। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज लेटर ऑफ ऑफर अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर प्राइसिंग एंड पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन रेगुलेशन 54। अब्रिज्ड लेटर क्या होता है? हमने पीछे किया था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यहाँ पर जो टर्म है दैट इज अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है। अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि जैसे आपका प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल्स होती है। कई बार कंपनी का प्रॉस्पेक्टस अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है तो वो उसे समरी फॉर्म में निकाल देती है, उसी समरी फॉर्म को हम अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस या अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। तो जो अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर है वो आपने डिस्पैच करना है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप इशू निकाल रहे हो उससे कम से कम एटलीस्ट 3 डेज पहले। देन वो शेयर होल्डर्स जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं प्लेन पेपर पर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी के साथ। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म पर ही अगर कोई जो राइट इशू जिसको ऑफर किया गया है अगर वो उसे त्यागना चाहता है अपनी राइट को, तो रिनाउंसिएशन करना चाहता है अपनी राइट्स का, तो वो भी सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म पर वो कर सकता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिनाउंसिएशन के बाद और किसी पर्पस के लिए उसे यूज़
नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट इज योर कि जो एप्लीकेशन है, अगर बोथ प्लेन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पर आपने दे दिए, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंपनी रिजेक्ट कर देगी। जो इशू प्राइस है वो डिसाइड होगा जब आपने रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है, उससे पहले इशू प्राइस डिसाइड होगा, और वो भी जो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप इशू निकाल रहे हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके आप उसे डिटरमाइन करेंगे। जो राइट इशू है वो ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज और मैक्सिमम पीरियड 30 डेज के लिए। जो इशूअर है वो पेमेंट ऑप्शन दे सकता है, वन ऑफ द पेमेंट ऑप्शन वो ऑफर कर सकता है। वो क्या कि पार्ट पेमेंट हो जाए एप्लीकेशन पे, लेकिन वो जो इशू प्राइस है उसके 25% से लेस नहीं होने चाहिए। दूसरी, आप फुल पेमेंट कर दो एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो रेगुलेशन है हमारा रिगार्डिंग प्री इशू एडवर्टाइजमेंट फॉर राइट इशू, रेगुलेशन 55। जो इश्यूअर है वो एडवर्टाइजमेंट देगा राइट इशू के लिए, और उस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। डेट ऑफ कंप्लीशन की डेट होनी चाहिए जब आप डिस्पैच कर रहे हो, अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर और एप्लीकेशन फॉर्म। जो सेंटर्स हैं आपके अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस इश्यूअर का, जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं और जो पर्सन हैं जिन्हें राइट्स मिलना है, वहाँ से वो डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म की ले सकते हैं। एक स्टेटमेंट अगर शेयर होल्डर एंटाइटल है रिसीव करने के लिए राइट इशू, तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव अगर नहीं हुआ है तो वो प्लेन पेपर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी आपको एडवर्टाइजमेंट में देनी पड़ेगी, एक फॉर्मेट, ताकि आप शेयर होल्डर्स को बता सको कि अगर आप प्लेन पेपर पे अप्लाई कर रहे हो तो आपने कौन कौन से पर्टिकुलर्स उस एप्लीकेशन में लिखने हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, रेशियो ऑफ राइट इशू, इशू का प्राइस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जितने आपके पास हैं, लेजर फोलियो नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, नंबर ऑफ शेयर्स एंटाइटल्ड, अप्लाइड फॉर कितना किया है, एडिशनल शेयर्स अगर कोई हैं, अमाउंट पेड एक्सेट्रा, जैसी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको बतानी पड़ेगी। एक स्टेटमेंट कि जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली आप इश्यूअर के डेजिग्नेटेड ऑफिस पर उसके एड्रेस पर अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये टू द इफेक्ट दैट कि जो शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन अगर प्लेन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पर करता है तो उसकी दोनों ही एप्लीकेशन जो है इश्यूअर चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आप करोगे वो एटलीस्ट वन इंग्लिश और वन हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, जिसकी वाइड सर्कुलेशन है, उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज का जो आपका डेली ऑफिस न्यूज़पेपर है, कहाँ की रीजनल लैंग्वेज का, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ की न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट है वो एटलीस्ट जब आपका इशू ओपन हो रहा है उसके एटलीस्ट 3 डेज बिफोर जो है पब्लिश हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयज अलोंग विद राइट इशू, रेगुलेशन 55A। जो इश्यूअर है वो रिजर्व कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है एम्प्लॉयज के लिए राइट इशू के साथ, लेकिन जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को 2 लाख रुपीज से ज़्यादा के नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड इन राइट इशू, रेगुलेशन 56। जो इश्यूअर है वो यूटिलाइज करेगा फंड्स जो कलेक्टेड किए हैं उसने थ्रू राइट इशू, कब करेगा, जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि किस बेसिस पे अलॉटमेंट की जाएगी। तो ये था हमारा राइट इशू की रेगुलेशंस। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी पेमेंट। मतलब कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे देगी लेकिन उनसे कोई भी पैसा नहीं लेगी। अब उसके शेयर्स के लिए पैसा कहाँ से आता है? कंपनी के जो ऑलरेडी रिजर्व्स या प्रॉफिट्स पड़े होते हैं वहाँ से कंपनी उन शेयर्स को इशू करती है। तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है
विदाउट एनी चार्ज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी के पास अगर बहुत सारे क्यूमुलेटेड रिजर्व पड़े हैं लेकिन कंपनी उस पोजीशन में नहीं है कि डिविडेंड वो कैश में पे कर सके क्योंकि उसके पास कैश सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में वो एडिशनल इक्विटी शेयर्स अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स ले रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनी पेमेंट, तो उसे हम बोनस शेयर्स कहते हैं। इसमें जस्ट सिर्फ एक बुक एंट्री होती है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। जो टोटल रिसोर्स बेस होगा कंपनी का वो चेंज नहीं होगा ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स। दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इशू कर सकते हैं बोनस शेयर शेयर होल्डर्स को। पहला कि आप जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स हैं उन्हें फुली पेड अप बना दो विदाउट चार्जिंग एनी कैश फ्रॉम शेयर होल्डर्स। मतलब कि सपोज 10 रुपीज का शेयर्स आपने इशू किया है और उस 10 रुपीज में से सिर्फ 6 रुपीज अभी तक आपने मंगवाए हैं, तो बाकी 4 को आपने नहीं मंगवाया और उनको फुली पेड आपने बना दिया। तो एक तरीका ये भी है कि आप एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप बना दो। दूसरा, आप फ्रेश फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर दो। नेक्स्ट आता है सेबी रेगुलेशंस 2009 क्या कहती है बोनस इशू के लिए। सबसे पहला है कंडीशंस क्या है बोनस इशू के लिए। रेगुलेशन 92, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक जो लिस्टेड इशूअर है वो बोनस शेयर्स इशू कर सकता है शेयर होल्डर्स को। कब कर सकता है? अगर उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑथराइज करते हैं कि आप इशू कर सकते हैं बोनस शेयर्स, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कर सकते हैं और उसके प्रेजेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन अगर नहीं है तो उस केस में उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में, जहाँ पे वो ये प्रोविजन इंक्लूड करेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स वो कर सकते हैं। दूसरा, जो डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कभी भी कंपनी ने, किस चीज़ में डिफॉल्ट? इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, किसके ऊपर? फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर या कोई भी डेब्ट सिक्योरिटीज के ऊपर जो उसने इशू की। तीसरी चीज, अगर डिफॉल्टेड नहीं होना चाहिए उसको कोई भी पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब जो भी अगर कोई स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट उसे कहती है कि इतना कंट्रीब्यूशन आपने इस फंड में करना ही करना है, उसको डिफॉल्ट नहीं होना है कंपनी ने। मतलब किसी भी टाइम पे ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने कभी उस फंड में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी या बोनस इशू हो गया, बोनस हो गया एम्प्लॉयज को। देन नेक्स्ट इज योर कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं आप उन्हें जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं पहले आपने उन्हें फुली पेड अप बनाना है, उसके बाद ही आप बोनस इशू जो है वो इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेगुलेशन है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू रेगुलेशन 93। बोनस इशू निकालने से पहले ये नेसेसरी है वही चीज कि अगर कोई कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आपका पड़ा है तो पहले उसके लिए आपको अलग से जो शेयर्स हैं उसे रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज जो इक्विटी शेयर्स जो भी आपने ये ऐसे रिजर्व किए हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को, तो उन्हें सेम टर्म्स में और सेम प्रोपोर्शन पे जिसमें आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं उसमें आपको उन्हें देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।